देखिए आज का जो क्लास है वो काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको टी फंक्शंस ऑफ एंगल 90 गुना एन प्लस माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, यही सीखना है। टी फंक्शन ऑफ एंगल 90 गुना एन प्लस माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, 90 गुना एन प्लस माइनस थीटा कोण का त्रिकोणमितीय फलन किसके पद में, थीटा के पद में। हिंदी में लिख दे रहे हैं 90 गुना एन प्लस माइनस थीटा का टी फलन केवल थीटा के पद में, थीटा के पद में। जैसे आपको प्रॉब्लम होता है ना याद करने में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन 270 माइनस थीटा क्या होगा, इस सब का आवश्यकता पड़ता है मैथ बनाने में, कोई भी मैथ बनाने में, खाली त्रिकोणमितीय नहीं। तो ये सब संकट आज दूर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आज तरीका बता रहे हैं। तो यहां बात समझ गए आप कि हमको क्या निकालना है, टी फंक्शन किस एंगल का, 90 गुना एन प्लस माइनस थीटा का, और किसके पद में, थीटा के पद में निकालना है। तो इसके लिए दो केस होगा, अभी हम केस वन की बात कर रहे हैं। यदि थीटा बराबर ऑड नंबर हो, यदि थीटा क्या हो, थीटा का गुणक एन ऑड नंबर हो, यदि एन ऑड हो, यदि थीटा का गुणक एन क्या हो, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या हो, तो चेंज होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में, समझ रहे बात को। एक्स हो चाहे थीटा हो जो भी रहे, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, या सेक बदल जाएगा कॉसेक में, टैन बदल जाएगा कॉट में, या कॉट बदल जाएगा टैन में। ये बात आया समझ में कि नहीं आया, कहे आया बताओ, मैट्रिक में ही पढ़े थे का, चलिए बढ़िया बात है। तो यहाँ चेंज हो जाता है, साइन कॉस में कॉस साइन में, कॉसेक सेक में सेक कॉसेक में, टैन कॉट में और कॉट टैन में। कब चेंज होता है, जब 90 का गुणक क्या हो, विषम संख्या हो। क्लियर, आगे बढ़े। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एक फॉर्म ले लेते हैं, 90 माइनस थीटा का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा। आप बताइए इसमें 90 का गुणक कितना है, 90 गुना एन, एन ही तय करेगा कि बदलेगा कि नहीं। तो यहां 90 का गुणक कितना है, 90, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टोटल को 90 गुना एक माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। एक क्या है यहां पर, एक हमारा ऑड है, विषम है, तो यहीं पर तय हो गया कि चेंज होगा। इस केस में टी फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा।
क्योंकि 90 का गुणक जब भी विषम हो तो बदलता है, सब चीजें बदलता है। साइन कोसेक में, साइन कोस में, कोसेक सेक में, टैन कॉट में, सब में बदल जाता है। और साथ ही प्लस होगा कि माइनस होगा तो वह साइन डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पर निर्भर करेगा। चिन्ह किस पर निर्भर करेगा? क्वाड्रेंट पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो पहले आप बताइए ऑड है, इसका मतलब टी रेशियो जो है विल बी चेंज, टी रेशियो क्या होगा, बदलेगा। एक बात तो ही हो गया। अगेन किस क्वाड्रेंट का बात है? 90 माइनस थीटा फर्स्ट में ना पड़ेगा, यहां से यहां तक 90 होता है लेकिन उससे थोड़ा सा कम लेना है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी पॉजिटिव होता है, ये भी बात आपको मालूम है। देखिए दो चीज का इसमें जानकारी चाहिए था, एक तो 90 का गुणक क्या है, चेंज होगा कि नहीं, तो दो जानकारी आपको मिल गया। एक तो 90 का गुणक 1 है, विषम है तो टी रेशियो यहां पे क्या होगा, बदल जाएगा। दूसरा बात कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब किस में होता है, प्लस में होता है, इसलिए अब आपसे पूछें कि आप हमको बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? इसमें तो टी रेशियो चेंज होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में थीटा एंगल के साथ। अभी टोटल प्लस होगा कि माइनस होगा? सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो चाहे हम साइन का वैल्यू लिखे या कॉस का, सब किस में होगा? अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा पूछें, प्लस में कि माइनस, ऐसे ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सब लिखेंगे तो ये बकवास हो जाएगा, दुगो में जान गए तो सब वैसे ही होगा। कब कोसेक सेक कॉट सब लिखना जरूरी थोड़े, पेज भर जाएगा फिर मन भर जाएगा। तो यहां बात आप जान गए कि 90 का गुणक अगर एक यानी विषम हो तो चेंज होता है, क्योंकि 90 का गुणक एक है, चेंज होता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, ऐसे बदलता है। और चिन्ह हमेशा क्वाड्रेंट के हिसाब से वहां प्लस या माइनस लिखेंगे। अभी जो मामला है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, प्रथम चतुर्थांश का है, इसमें ऑल टी पॉजिटिव होता है, पिछले क्लास आपको बताया था। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा का हुआ। अगर हम 90 प्लस थीटा पूछे तब उसमें क्या बदलाव होगा देखते हैं। अगला फॉर्म हम देख लेते हैं। अगर आपसे हम पूछ दें 90 प्लस थीटा वाला में क्या होगा, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा में क्या होगा। तो यहां भी अगर देखा जाए गुणक, तो यहां भी 90 गुना 1 प्लस थीटा है, एक हमारा क्या है, यहां भी एक ऑड है, तो चेंज तो होगा, इसलिए टी रेशियो विल बी चेंज, बदल जाएगा। ठीक है, ये तो बदल जाएगा। अगेन कुछ और जानकारी जुटा रहे, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? 90 प्लस है, सेकंड में ही जाएगा, 90 प्लस सेकंड में जाता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप जान रहे हो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है,
बाकी सब नेगेटिव होता है। अब जब हम लिखेंगे तो वहां पे विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अगर आपसे हम पूछ रहे कि बालक साइन 90 प्लस थीटा बता, चेंज तो होना ही है इसको कॉस के साथ थीटा, साइन 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन नहीं घबराइए यहां कौन सी लिखाएगा, माइनस दिखाएगा। अब देखो माइनस का भूत क्यों आया, आप इसको देख रहे हो, इसको देखना ही नहीं है, हम इस साइन का वैल्यू ना लिखे हैं, ये प्लस में होगा, यहाँ देखना है आपको, यहाँ उधर का भूत पकड़ेगा तो घबरा जाएगा, उधर तो कॉस है आपके हिसाब से माइनस होना चाहिए, लेकिन उधर नहीं देखेंगे, किसका वैल्यू लिख रहे हैं, साइन का सोचो ना वैल्यू कौन सी में होता है, सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लिए हैं और उसका साइन हम पूछ रहे हैं, पॉजिटिव होगा सेकेंड में, साइन का वैल्यू तो माइनस नहीं बोल रहे हैं तो एक मुक्त कर देंगे। आप सुनिए क्या किया जाएगा, अब अगर टेन 90 प्लस थीटा पूछे तो बता, टेन में पहले तो चेंज होगा कॉस में, मामला सेकेंड क्वाड्रेंट का है, सही टेन का वैल्यू ऐसे सोच लोगे अपने से, हाँ बोलो क्या हुआ बताओ, मैं कुछ तो आया था उसको फिर तुम गलत बात नहीं, हम पढ़ा देते यहाँ हमसे बोलो नहीं तो हम तुमसे बोलेंगे, तीसरा बीच में आ ही नहीं सकता, तीसरा जगह इसका मतलब आप गप कर रहे हो या इस पर कम ध्यान दे रहे, असली 90 प्लस हो गया, 90 में 90 का गुना एक है, यहाँ चेंज होगा, 270 में भी चेंज होगा, चूंकि 90 का गुना कितना है, 90 या 270 तीन है, तीन और है वो भी ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन एक हल करा देते हैं, देख लो एक और फॉर्म देखते हैं, 270 माइनस ट्रिक तकनीक जान के तो आपसे कोई बन जाएगा, इसमें बस आपको ध्यान देना है कि 270 माइनस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 90 गुना 3, बस 3 को पहचान लेना है ऑड है मतलब बदलेगा, टी रेशियोज विल बी चेंज, चेंज होगा बदलेगा, एक तो कहानी ही हो गया, अगेन किस क्वाड्रेंट का मामला है, 270 यहां से यहां तक होता लेकिन उससे थोड़ा सा कम थर्ड में चला गया, अब थर्ड में आप जानते हो टेन और कॉट क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, ये मालूम हो गया है आपको। नाउ अब एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा, साइन 270 माइनस थीटा चेंज तो होना ही है, कॉस हो जाएगा, 270 माइनस थर्ड में गया, थर्ड में टेन और कॉट प्लस में होता है, इस साइन का वैल्यू है माइनस में होगा, बहुत दिक्कत है, आ गया वो सिंपल बात है, कुछ और देख लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम पूछ रहे टेन 270 माइनस तो टेन का कॉट हो गया, थर्ड में टेन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ऐसे बाकी आपके दिमाग लगाने के लिए छोड़ दिए, डॉट डॉट आप भी कॉपी में दिमाग लगा दीजिएगा, डॉट डॉट लिख दीजिएगा, अगर लिखने क्या हो सकता है, थोड़ा सा विधि जान गए हो आप, चाह के भी नहीं रट सकते हो, साइन 270 माइनस 360 प्लस 180 माइनस अझुदा के गिर जाइएगा, उतना याद रहेगा आपसे डाटा, आपको बस यही याद रखना है कि 90 का गुणक ऑड है तो बदलेगा, इवन है तो नहीं बदलेगा, अगर 180 माइनस लिखते ना टेन का टेन ही लिखते, अच्छी नवा देख लेते प्लस माइनस तो पता कर लेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से, बुझा गया क्या था इसमें, 90 का गुणक कौन संख्या है, बदलेगा किस क्वाड्रेंट में है, क्या है 270 से कम इसमें, इसमें टेन और कॉट कल ही बताए थे प्रूफ से, तो बाकी किसी का भी मान क्या होगा, टेन जब आएगा तो कॉट आएगा तो कॉसेक आएगा तो सेक आएगा तो कॉस आएगा तो
ऐसे ही 270 प्लस वाला हो गया, खाली क्वाड्रेंट चेंज होगा। चौथा में चल जाएगा, उसमें कॉस से प्लस में होता है। अगला फॉर्म देख लेते हैं, दो सौ सत्तर प्लस थीटा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बालक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नब्बे गुना तीन प्लस थीटा। तीन कौन संख्या है, ऑड नंबर, इसलिए टी रेशियो क्या होगा, टी रेशियो विल बी चेंज, चेंज हो जाता है, परिवर्तित होता है। और उसके बाद क्वाड्रेंट देख लो, किस क्वाड्रेंट में है, 270 प्लस, यहां से यहां पर 270, तीन को 90 प्लस कुछ 270 प्लस थीटा, चौथा में बताए थे कॉस से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बस कॉस से क्या रहेगा, वहां पॉजिटिव लिखेंगे, बाकी सब जैसे साइन 270 प्लस कुछ थी, चेंज तो होना तय है, 270 देख के बदल दियो, 90 का गुणक 3 है, 270 प्लस हो जाएगा फोर्थ में, फोर्थ में इस साइन का वैल्यू नेगेटिव होगा। अच्छा कॉस 270 प्लस, कॉस तो पहले साइन में चीज पॉजिटिव, एकदम आसानी से आप समझ सकते हो, अपने एक्स्ट्रा इसमें बेसिक दिमाग में कचरा नहीं भरेगा, एकदम सिंपल चीज बता रहे जो आपके दिमाग में आ जाएगा जल्दी से आ जाएगा, एग्जाम्पल भी कम, कि एग्जाम्पल के चक्कर में आप बातें नहीं भूला रहे। बात को याद रखना है कि इसमें क्या तकनीक है, पहले देख लेना है कि 90 का गुणक कितना है, कितना है, 3 है, बदलेगा, बदल दिया, कोई भी हो तो बदलेगा, अब सब लिखना जरूरी थोड़े, कुछ रहेगा तो बदलेगा, कैसे बदलता है वो बता दिए पहले ही, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में, ऐसे ही बदलता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से चीने देखना है। 270 प्लस अगर हम कहें तो फोर्थ में चल जाएंगे, बस कॉस और सेक का वैल्यू प्लस में, बाकी कुछ भी रहे माइनस में होगा। आगे समझ में, आपको याद होना चाहिए कि अभी जो हम बताए हैं वो केस वन था, केस वन था, अब जो हम बताएंगे वो केस टू होगा। केस टू, केस माने स्थिति होता है, याद है ना, पहले का दिन पूछा था कारक बताया था सर, याद है हमारे ही चलते याद है, केस मैंने पीछे थे धड़ा के खड़ा कारक कारक व्याकरण पढ़ा रहे हैं हम। केस मैंने स्थिति, स्थिति टू, इफ एन इज इक्वल टू इवेन, अगर एन हमारा इवेन नंबर हो देन टी रेशियोज विल नॉट बी चेंज, चेंज नहीं होगा, एंड साइन डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट, चिन्हा जो है क्वाड्रेंट पर ही निर्भर करेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये तो रूल है, इसको दिमाग में याद रख लेना। अच्छा ये जो भी हम रूल बता रहे हैं ये सब ट्रिक है, जैसे एक हम फॉर्म ले लेते हैं 180 माइनस का, 180 माइनस को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा 180 माइनस है थीटा, तो इसको 90 गुना 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 2 कौन संख्या है,
इवन है तो टी रेशियो चेंज होगा इसमें, टी रेशियो विल नॉट बी चेंज, यहां टी रेशियो नहीं बदलेगा, क्वाड्रेंट को देखना पड़ेगा। यहां से आता है 180 लेकिन उससे कम है सेकेंड में, इसमें साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है। बस अब आ जाइए, कोई भी सवाल ले लीजिए, बना लीजिए। अगर आपसे पूछ रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो पहले तो ये साइन नहीं होगा, अब चिन्हा सोचेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू प्लस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब वे आई पूछे तब टैन तो टैन में ही रहेगा, क्योंकि टैन का वैल्यू एक और इसमें फाजिल पूछ देते हैं, कॉसेक 180 माइनस प्लस कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन और कॉसेक क्या होता है, इसके अलावा कुछ भी पूछे वो अब बदलना तो है नहीं, जो है वही समझ गए। ऐसे ही 360 वगैरह के लिए तो HW होमवर्क कर दे रहे हैं, 360 माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा, एक वही दूसरा 360 प्लस थीटा 2π प्लस थीटा, ये दो को आपके लिए होमवर्क बन जाएगा। 90 का गुणक चेक वगैरह करके अपना चेंज कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, ये जो हम बताए गौर किए हैं आप लोग पचा लिए हैं, हम यहां लिखे हैं कि साइन कॉस में बदल जाता है, मैट्रिको में आप पचा लिए थे, पूछे थे कि काहे बदलता है, यहां भी नहीं पूछे हैं, तो वह कभी पूछे होंगे, मतलब होता है थोड़े कुछ होता है, काहे बदलेगा, इस पर प्रश्न बन सकता था कि नहीं, आप छोड़ दिए तो बस कहानी खत्म, बता दे ठीक क्यों बदलता है। अब ऐसे थोड़े होता है, अब तो कुछ लिख देंगे हम, होता है मतलब थोड़े मान जाइएगा, यहाँ पे यही कंफ्यूजन है, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। साइन कह रहे हैं कि क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, तो उसका प्रूफ तो हमने बता दिया है कि क्या है, इसमें सब प्लस में होता है, इसमें साइन कॉस का है प्लस में होता है, इसमें टैन कॉट प्लस में का होता है, इसमें कॉस सेक प्लस में का होता है, उसका हम ऑथेंटिक रीजन बताए हैं। लेकिन यहां हमने नहीं बताया है कि साइन कॉस में कैसे बदलेगा, इसको हम कह दें कि ट्रिक है तो भी आप पचा लोगे, आप इतना भोला भाला हो कि ट्रिक में पूछो कहानी कोई लिख देगा कहेगा ट्रिक है तो तू लोग पचा देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आ जाइए ऑफिस है, 5 मिनट बैठिएगा हम आ जाएंगे। तो इसमें चेंज हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है, हाँ इसी साइड ऑफिस है उसमें बैठिए ना, तो इसमें चेंज हो जाता है। तो अब होता है अलग बात हो गया, तो होता है ऐसा कुछ नहीं, इसका रीजन है बता रहे। कोई आदमी कहे आपसे पूछे कि चलिए आप तो ट्रिक से बता दिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कैसे होता है प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करके बताओ, तो कैसे प्रूफ कीजिएगा बताइए ना, इतना मेहनत किए इससे एको से प्रूफ होगा नहीं, सब हम ट्रिक बताए, इसी को याद रखना है। मैंने कोई आदमी पूछ दे, हालांकि नहीं पूछेगा कोई आपसे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वाई हो गए, अब उतना अंग्रेजी मजबूत नहीं है, यहां देखिए सिंबल से काम चलता है, यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा हमको निकालना है कि क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला का हो सकता है। हर चैप्टर से हम बंधे हुए हैं, फ्री पढ़ा भी सकते हैं, फ्री करने का मतलब हो गया कि 3.2 पढ़ा रहे हैं, एक 3.3 में फॉर्मूला है, चैप्टर वाला से हम बंधे हैं तो फॉर्मूला का प्रूफ 3.3 में मिलेगा, लेकिन एक यहां फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए माइनस बी का, जो हम दावा के साथ कह रहे हैं कि आप इसको पढ़ लिए होंगे हमसे पहले फिजिक्स में, क्या होता है साइन ए कॉस बी
कॉस ए साइन बी। देखिए तो यहां पे साइन ए की जगह पर कितना है, साइन ए के जगह पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 90 का मान 1 इंटू कॉस थीटा, ये 0 इंटू साइन थीटा, कुल मिला के कितना आया, कॉस थीटा माइनस 0 कुल मिला के। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, इसका एक प्रूफ हो गया। तो ऑल टू ऑल जितना भी है सबका है, सबका प्रूफ ऐसे ही होगा। तो चूंकि यह प्रूफ लेंदी हो जाता है, लंबा लंबा हो जाता है, तो इस ऐसे ना प्रूफ करके इसको शॉर्टकट एक ट्रिक से याद रखा जाता है, कि उससे तो आसानी ना है, ट्रिक वैसे ट्रिक बनाया गया है कि साइन कॉस में चेंज हो जाता है वे फॉर्मूला से देख देख कर। पहले साइन 90 माइनस थीटा से कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये सब निकाला गया उस फॉर्मूला से प्रूफ करके, तो सब में देखा गया ना तो चेंज हो रहा है। कौन सी चेंज हो रहा है, साइन कॉस में, कॉस साइन में बदल जा रहा है, टेन कॉट में, तो उसको शॉर्ट कॉट में ही लिखा दिया गया कि होता है। अब सबका आप देखो, सबका प्रूफ अगर उससे करेंगे तो कितना लंबा बनेगा, आपको प्रूफ का कोई मतलब भी नहीं है। आपको जहां भी मैथमेटिक्स में मिलेगा साइन 90 माइनस थीटा मिलेगा, डायरेक्ट वहां क्या लिख देंगे, आखिर प्रूफ पर पूरा करेंगे, ए माइनस बी में चेंज करेंगे, फिर लंबा चौड़ा ऐसे थोड़े बनाएंगे, वैसे नहीं वैसे बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। अच्छा एक साधारण चीज है, उससे जल्दी आप समझ जाते हो, कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलता है, डायरेक्ट क्या लिखते हो, अभी वहां लिखते हो कि पी बटा एच का स्क्वायर बी बटा एच का स्क्वायर जोड़ेंगे पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर कटाएंगे वन, इतना लंबा लिखते हो। तो वैसे ही ये बात हुआ, तो आप अब इसको एक एक करके लिख लीजिए।